अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि हमने जो कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है वो किस तरीके से करनी है, यानी जिसे हमने कहा था RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अच्छा, पहली बात ये कि जी RFQ है क्या। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये है कि जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है होलसेल में, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि आप अलग अलग शॉप पर जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि मुझे आप ये चीज़ कितने में देंगे, और एक है आपके पास कि आप एक ही मैसेज एक ही दफ़ा में 100, 200, 300 लोगों को भेज देते हैं और फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और आपको खुद बताते हैं जी मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे दूंगा, मैं इतने में दे दूंगा, मैं इतने में दे दूंगा। इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको जिस का मैसेज आएगा आपको मैन्युअली जाके वो चेक करना पड़ेगा कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, 2 साल से पुराना है, मिनिमम 3 जेम्स हैं, रिस्पांस रेट और वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ वो आपको अलग अलग देखनी पड़ेंगी। लेकिन एक हिसाब से ये भी है कि आप सिर्फ एक ही दफ़ा करेंगे और आपको बहुत से लोग खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि जी मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे दूँगा। तो इसकी एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल है कि आप लाहौर के अंदर किसी एरिया में कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है कि आप हर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना एक इश्तिहार बना के हर प्रॉपर्टी डीलर को भिजवा देंगे, बस उसे बात नहीं करेंगे और वो खुद आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे रابطہ करेंगे जिसके पास वो ऑप्शन होगी। क्योंकि जो हम RFQ भेजेंगे उसमें हम अपना बजट भी लिखेंगे, अपनी प्रोडक्ट हर चीज़ लिखेंगे। हो सकता है आधे लोग आपसे रابطہ ही ना करें, वो कहें जी इनका बजट कम है, इस बजट में मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस पर नहीं दे सकता, वो आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा। तो एक ऑप्शन तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी कि आप पिलो की हमने एग्जांपल ले रही, और एक ये RFQ है कि ये कैसे सेंड होता है। आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। चलें जी, मैंने आपको बता दिया इस बारे में RFQ क्या होता है, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसी तरह अलीबाबा पे आ गए। अच्छा, पहले जब मैंने यहाँ पे पिलो लिखा था तो मैंने पिलो लिख के बस एंटर कर दिया था। क्यों एंटर कर दिया था? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पर गया था। अभी मैं यहाँ पर सप्लायर सेलेक्ट करूँगा। जब आप RFQ के लिए जाएंगे तो आप सप्लायर करके फिर पिलो या जो भी प्रोडक्ट है वो लिख के आप एंटर कर देंगे या सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब उसके पास ये देखें, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये यहाँ पे 1 request multiple quotes, यानी आप एक रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन आपको बहुत से लोग रابطہ कर लेंगे आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक नया टैब खुल गया जिस पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है सबमिट आर एफ क्यू के हमारे पास ऑप्शन आ रही है, और ये नीचे वैसे आ रहा है कि पास 90 डेज का डाटा, RFQs कितने सेंड हुए, इंडस्ट्रीज क्या आती है, एक्टिव सप्लायर्स, कंट्रीज, रीजन, एवरेज कोटेशन ड्यूरेशन, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है। हमने सिंपली सबमिट RFQ पे क्लिक कर दिया और अब ये कह रहे हैं जी प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन दें आप। तो हम कर देते हैं जी, हम कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट का नेम पिलो है। वो कहते हैं जी कैटेगरी सेलेक्ट करें, कैटेगरी हम आ गए और हमने ये सजेशन आ रही है, लेकिन मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे होम एंड किचन में या होम टेक्सटाइल्स में, होम टेक्सटाइल आ गया। ये कैटेगरी आपको पता चल जाएगी जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, तो हंटिंग में आप कैटेगरी फाइनल करते हैं अपनी, और आपको आइडिया भी हो जाता है ना कि अगर जब आप 2-3 दफ़े इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा पिलो है तो वो बेडिंग की कैटेगरी है, ज़ाहिर है बेडरूम से रिलेटेड है पिलो। अगर फ़र्ज़ करें आप बात करते हैं किसी आउटडोर प्रोडक्ट की, तो जिस तरह फुटबॉल आ जाता है तो फुटबॉल आपको पता है कि स्पोर्ट्स में आ जाएगा। आउटडोर की बात करें तो गार्डनिंग की जो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो आउटडोर में आती हैं, गार्डनिंग में आती हैं, वो आप वहाँ से देख लेंगे। तो हम यहाँ पर होम टेक्सटाइल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमारे पास आगे फिर ऑप्शन दे रहा है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आ गया पिलोज एंड कुशन। अच्छा, अब ये सब कैटेगरी क्या है? अगेन मैं आपको शॉर्ट सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदनी है लाहौर में। अब लाहौर के अंदर डिफरेंट टाउन्स हैं तो लाहौर मेन कैटेगरी होगी, फिर डिफरेंट टाउन्स जो है वो उसकी सब कैटेगरी होगी। तो इसी तरह सब कैटेगरीज हो सकती हैं किसी भी चीज़ की। पिलोज एंड कुशन में आने के बाद हमने कहा जी ये बेड पिलोज ये हमारी कैटेगरी होगी प्रोडक्ट की, हमने यहाँ पर ओके कर दिया। अब उससे हमसे पूछा जी सोर्सिंग की आपकी टाइप क्या है, आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट है नॉन कस्टमाइज है। हमने हमेशा करना है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट है क्योंकि हम प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड, जब आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमेशा कस्टमाइज होगी, आप उसको अपने हिसाब से बनाएंगे।
आप फिलिंग ज़्यादा करेंगे, फिलिंग कम करेंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, कभी आप क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे, जो मार्केट में बिक रहा है हम उस हिसाब से, ये सब हंटिंग के अंदर आप लोग सीख चुके हैं। तो अब सोर्सिंग के अंदर आपने सिंपली इसी पे क्लिक करना है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज है, यानी उसमें कोई ना कोई चेंजिंग है। अच्छा, कस्टमाइज पे आपने क्लिक कर लिया। अब वो पूछ रहा है जी क्या चीज़ कस्टमाइज है। एक है फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रिंक है, अब आपने वही ड्रिंक बनाया, आपने कहा जी इसमें सिर्फ कस्टमाइज की है कि ऊपर लोगो मेरा लगाना है आपने। एक है आप कहते हैं जी असेंबलिंग में ही कस्टमाइजेशन है, कि अगर एक ड्रिंक के अंदर फिलिंग 250 ml है, आप कहते हैं जी मेरे ड्रिंक में फिलिंग 300 ml होगी, तो अब ये कस्टमाइजेशन ही आ गया ना, पैकिंग चेंज हो जाएगी, उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, 250 ml और चीज़ है, 300 ml और चीज़ है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम कहते हैं जी कस्टमाइज लोगो है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, कस्टमाइज लोगो पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम आ जाते हैं जी सोर्सिंग पर्पस, वो पूछ रहा है कि आपको किस लिए चाहिए ये प्रोडक्ट। हम कहते हैं जी हमें रिटेल के लिए चाहिए, कि हम होलसेल में लेंगे और हम आके इसको रिटेल में बेचेंगे, हमने इसको अमेजोन पर बेचना है या वॉलमार्ट पर या पाकिस्तान में दराज पर या ईबे पर या इट्सी पर, कहीं भी किसी भी मार्केट प्लेस में बेचना है। आपने होलसेल में लेना है और रिटेल में बेचना है, तो आप कहेंगे जी मुझे रिटेल में चाहिए प्रोडक्ट। वो कह रहे जी आप क्वांटिटी बता दें, हम कहते हैं जी 100 है जी क्वांटिटी हमारी। आगे वो पूछ रहे हैं पीसेस के, एक बैग के अंदर कितने पीसेस होंगे या बॉक्स में कितने होंगे, आप उसको बताएंगे मुझे ये बॉक्स पैकिंग में चाहिए या बैग की सूरत में चाहिए या किसी भी और, ये आपके पास इस पर मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं। हम कहते हैं जी हमें ये बॉक्सेस की शेप में चाहिए, कि बॉक्स के अंदर हमें टोटल ये क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, ट्रेड टर्म्स जो है ये काफ़ी सारी आ रही हैं, इसको हम किसी और वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ तीन पे बात करेंगे, FOB पे, EXW पे और DDP पे। बाकी जो आ रही हैं वो आप छोड़ दें, वो हमारे से रेलिवेंट नहीं है। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो चीज़ हमसे रेलिवेंट नहीं है हम बिला वजह उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस चीज़ का आपको ज़ीरो बेनिफिट है वो हम नहीं सीखेंगे, वो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। हम इस कोर्स में सिर्फ वो चीज़ सीखेंगे जो हमारे काम आनी है। तो प्राइस हम तीन तरह की लेते हैं, FOB, EXW और DDP। ये हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि FOB क्या है, EXW क्या है और DDP क्या है। हम कहते हैं जी नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि हम DDP लेते हैं जी प्राइस। तो हम यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे हमें यकीनन DDP की ऑप्शन मिलेगी, ये DDP आ गई हमारे पास, हमने DDP ले ली। अच्छा, वो कह रहे जी आपका मैक्सिमम बजट क्या है। हम कहते हैं जी मैक्सिमम बजट ना, अगर हम 100 पिलोस लेते हैं तो हमारा लेस देन $1000 है जी, या आगे USD आ रहा है या कोई भी करेंसी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, जिस भी करेंसी में आप करना चाह रहे हैं, लेकिन $ में ही आपको करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने $ सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे वो डिटेल्स पूछ रहे हैं हमसे। अब डिटेल ज़ाहिर है हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। अगर पिलो है तो मैं यहाँ पे डिटेल लिख दूंगा कि आई नीड 100 पिलोज विद 500 GSM फिलिंग, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल विकेट्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए जो विकेट्स यूज़ होती हैं, मूवेबल विकेट्स, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो बाय करना चाह रहे हैं, तो आप उसे बताएंगे जी वुडवर्क अच्छा होना चाहिए, जो लकड़ी की हैं वो बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए, अगर आप स्टील में ले रहे हैं तो उस पर किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे आप अटैच कर देंगे जो भी उससे रिलेटेड, अगर आपके कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिससे कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपको, अगर कोई फूड की प्रोडक्ट है, कोई मेडिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे अपना वो डॉक्यूमेंट लगा देंगे या अपने पिक्चर्स, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर नहीं, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब ये नीचे आ रहा है जी शिपिंग मेथड भी हमारे पास आ रहा है, शिपिंग एंड पेमेंट के, शिपिंग मेथड आपने कौन सा यूज़ करना है, आपने बाय एयर प्रोडक्ट लेनी है, बाय सी लेनी है, या लैंड, यानी लैंड ट्रेड से मुराद ये है कि अगर कोई चाइना से फॉर एग्जांपल आपने हांगकांग लेके जाना है तो आप कहते हैं जी हमें बाय रोड भिजवा दें, तो वो आपको इस सारी कैलकुलेशन, क्योंकि आप DDP प्राइस ले रहे हैं, ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि DDP क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि आपको किस मेथड के थ्रू अपने प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं जी हमें एयर फ्रेट चाहिए जी, बाय एयर हमें भिजवा दें। वो कह रहे हैं जी डेस्टिनेशन आपकी, कि आपको डेस्टिनेशन से मुराद है किस कंट्री में चाहिए आपको प्रोडक्ट, UK में चाहिए, USA में, हम कहते हैं जी दुबई में चाहिए हमें। वो कहते हैं जी आपको किस पोर्ट पे चाहिए सामान। अब ये आपको डिटेल गूगल से मिलेगी किसी भी कंट्री की, कि UK में कितनी पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक लिवरपूल है जी पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बहरी जहाज़ आके रुकते हैं और जहाँ पे सामान वगैरह मिलता है।
जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो कराची पोर्ट है, ज़ाहिर है जहाँ समंदर होगा वहीं पोर्ट होगी। अब कराची पोर्ट से सामान निकलेगा तो आपने अगर पाकिस्तान में सामान मंगवाना है, आपकी डेस्टिनेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं पाकिस्तान है, तो आप कहेंगे जी कराची पोर्ट। अगर यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, तो उसमें डिफरेंट पोर्ट्स हैं, अबू धाबी है, दुबई है, जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से अपनी पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसको बता देंगे जो नियरेस्ट होगी अमेज़ॉन के वेयर हाउस से। जब आप ये शिपिंग में आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि जब आप शिपिंग लेबल क्रिएट करते हैं तो अमेज़ॉन आपको कहता है कि मेरे इस वेयर हाउस पर सामान भिजवा दें। अब अगर वो वेयर हाउस दुबई के अंदर है तो आप चूज़ करेंगे दुबई पोर्ट, कि वहाँ से करीब पड़े और कंटेनर की कॉस्ट हमें आगे कम आनी चाहिए। अगर आप दुबई पोर्ट चूज़ करते हैं, जाना अबू धाबी में है आपका सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, तो आपको कॉस्ट पोर्ट के बाद आगे ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, लीड टाइम। लीड टाइम होता है कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने टाइम में मिलनी चाहिए, यानी आप लीड टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी 21 डेज या 28 डेज। और लीड टाइम आपका स्टार्ट कब होता है? जब आप इनिशियल पेमेंट सप्लायर को कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना लीड टाइम दे दिया जी, 21 डेज दे दिया जी हमने। पोर्ट भी हमने एग्जाम्पल ले ली तो हम यहाँ पे दुबई लिख देते हैं। पेमेंट मेथड कि आप वाया बैंक टीटी लगवाते हैं या आप वेस्टर्न यूनियन करते हैं, मनीग्राम करते हैं, ये पेमेंट के डिफरेंट तरीके हैं। आप ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, ये हम पेमेंट्स के अंदर प्रॉपर चीज़ें सीखेंगे। यहाँ से आपने पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब जब आपने सबमिट पे क्लिक किया तो ये बहुत से सप्लायर्स के पास इंफॉर्मेशन चली गई कि एक बंदा है जिसको पिलोस चाहिए, इतने पिलोस चाहिए, ये उसका बजट है। अब वो आपको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, वो जो आपको रिप्लाई करेंगे वो आपके पास कहाँ पे आ रहे होंगे? वो ये जब आप अलीबाबा पे जाते हैं, मेन जो आपका अकाउंट है अलीबाबा का, वो आप सीख गए हैं कि अकाउंट कहाँ से बनता है, तो ये मैसेज इसका टैब आ रहा है। जो जो बंदा आपको कोई भी उसका रिप्लाई करेगा तो वो आपको यहाँ मैसेजेस के टैब में शो होगा। ये देखें, जिस तरह मैसेंजर में आपको शो होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है ना, जिसका भी मैसेज आता है वो आपको मैसेंजर में शो हो रहा है। जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है, डिफरेंट आपके पास कॉन्टैक्ट हैं तो हर किसी का अलग अलग मैसेज, जहाँ भी ये देखें ये अलग अलग शो हो रहा है। हम जिस पे क्लिक करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे हम उसको देखेंगे और ये नीचे ऑप्शन आ रही है प्लीज़ टाइप योर मैसेज, यहाँ पे हम उसको जो भी रिप्लाई करना है, जिस तरह नॉर्मल फेसबुक मैसेंजर पे आप लोग रिप्लाई करते हैं, यहाँ आप उसको उस तरीके से रिप्लाई कर देंगे।